press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा I नहीं, अच्छा U बना देंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R नहीं I। अब देखिए इधर I करंट है और R क्या है, प्रतिरोध। अब देखिए अगर किसी चालक में करंट का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोध का मान क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर किसी प्रतिरोध में किसी चालक में करंट का मान को क्या करना है, कम करना है, तो प्रतिरोध का मान बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो अगर प्रतिरोध ए करंट का मान को चेंज करना है, करंट के मान को चेंज करना है तो प्रतिरोध को चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक से अधिक प्रतिरोध बहुत सा अवेलेबल है, ठीक है, और उन प्रतिरोधों को क्या करना है, जोड़ करके करंट का मान परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रतिरोधों का संयोजन करने का जरूरत पड़ता है करंट का मान कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए। तो ये जो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा ये दो तरीके से होता है, कई तरीके से, दो तरीके से। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से किया जाता है, ठीक है। प्रतिरोध का संयोजन दो तरीके से किया जाता है, पहला क्या है, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेज इन सीरीज, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन एक, उसके बाद दूसरा है ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम, या इसी को क्या बोलेंगे, पार्श्वबद्ध, हाँ पार्श्वक्रम संयोजन, ठीक है। तो दो तरीके से प्रतिरोध का संयोजन किया जा सकता है, श्रेणी क्रम में भी जोड़ा जा सकता है और समानांतर क्रम में। और उसका कारण क्या है दो तरीके से जोड़ने का, प्रतिरोध का मान ज्यादा करना है किसके लिए, करंट के मान को कम करने के लिए। तो ज्यादा करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना है या समानांतर क्रम में जोड़ना है, अभी इसका स्टडी हम लोग करेंगे। या फिर अगर करंट का मान हमको क्या करना है, ज्यादा, तो प्रतिरोध का मान कम करना पड़ेगा। तो ये दोनों तरीके से जोड़ने पर प्रतिरोध का मान कम होगा या तो फिर क्या हो जाएगा, अधिक। तो अगर कम या अधिक होगा प्रतिरोध का मान तो करंट का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दो तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध का संयोजन। उसके बाद एक तीसरा भी होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ये दोनों को एक साथ मिक्स किया जा सकता है, ठीक है। ये दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे तो मेन रूप से तो जाएगा, लेकिन एक तीसरा याद रखना है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेज, ठीक है। तो ये तरीका नहीं है, बस ये दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे तो क्या कहलाएगा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज, ठीक है। प्रतिरोधों का मिश्रित, प्रतिरोधों का मिश्रित संयोजन, ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी से पूछा जाता है, ठीक है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग है, ठीक है, ऑफ रेसिस्टेंस, इसी से ज्यादातर पूछा जाता है। एक बार श्रेणी क्रम और एक बार समानांतर क्रम, स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाना है, ठीक है। तो अभी देखिए
पहला शुरू क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेज इन सीरीज, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेज इन सीरीज, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में इस तरह से करना है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक प्रतिरोध, प्रतिरोध का सिंबल ऐसा होगा, ठीक है, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध और ये तीन प्रतिरोध और भी, ठीक है, इस तरह से अवेलेबल है कि नहीं। तो इसका प्रतिरोध मान लीजिए कितना है, R1, इसका R2, इसका R3। अब देखिए हमारे पास जो है R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध अवेलेबल है, और जबकि अगर हम लोग को पूछेगा किसी परिपथ में कि I का मान निकालना है, तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R। तो यहाँ पर R देखिए कितना है, वन, इक्वेशन में R कितना है, वन। या अगर वोल्टेज पूछेगा तो वोल्टेज का भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई आर। तो अगर हम लोग आई का मान निकालेंगे, भी का मान निकालेंगे, तो हमको कितना आर का जरूरत पड़ता है, ओनली वन, है कि नहीं। और जबकि यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, तीन प्रतिरोध है कि, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों प्रतिरोधों को जोड़कर एक ऐसा प्रतिरोध का कल्पना करना पड़ेगा जो किसके बराबर हो, एक सिंगल प्रतिरोध के बराबर, ठीक है। तो अगर एक तीनों को जोड़कर एक सिंगल हम लोग बना लेंगे, तो आई का मान भी का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको एक सिंगल आर का मान पता हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध का संयोजन करना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या किया गया, ये जो तीनों प्रतिरोध है इसको देखिए यहां से जोड़ दिया गया, इसको भी यहां से जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। कैसा हुआ देखिए, पहला प्रतिरोध के दूसरा सिरा से और ये दूसरा प्रतिरोध के पहला सिरा से जोड़ दिया गया, फिर दूसरा प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से, इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे, यानी कि प्रत्येक पहला को दूसरा से, दूसरा को तीसरा से, तीसरा को इसी तरह से जितना भी आएगा सबको जोड़ते चले जाएंगे। उसके बाद क्या देखेंगे कि पहला प्रतिरोध का पहला छोर जो है इसको मान लीजिए ए, और अंतिम छोर इसको क्या मान लेते हैं, बी, ये दोनों बचा हुआ रह जाएगा। तो ये दोनों को बीच जो है करंट सप्लाई करने के लिए एक सेल जोड़ देना, हो गया। जितना भी प्रतिरोध है पहला को दूसरा से, दूसरा को तीसरा से जोड़ दिया, उसके बाद देखिए पहला का एक छोर बचा हुआ रह जाएगा और अंतिम का एक छोर, दोनों के बीच करंट सप्लाई करने के लिए एक सेल जोड़ देते हैं, प्लस माइनस। इस सेल के पास कुछ वोल्टेज है भी, अब यहां से ये भी करंट क्या करेगा, ये भी वोल्टेज क्या करेगा, करंट सप्लाई करना शुरू कर देगा, कितना आई, आई सब जगह से कितना पार होगा, आई पार होगा, ठीक है। तो तीनों में देखिए जितने भी प्रतिरोध हैं सभी में करंट कैसा रहेगा, एक जैसा, इसको याद रखना है। नंबर वन प्रतिरोधों के हाँ श्रेणी क्रम संयोजन में, नंबर वन देखिए क्या हो जाएगा, हाँ सभी प्रतिरोधक में धारा क्या रहेगा, एक जैसा, सभी प्रतिरोधक में धारा एक समान होगा, एक हो गया, ठीक है। सभी प्रतिरोधों में क्या होगा, देखिए इधर यहां से जो आई करंट निकलेगा ना, वो आई करंट तीनों से होता हुआ पार हो जाएगा, क्योंकि बीच में कहीं पर करंट जमा होने का सोर्स नहीं है। या करंट देखो, करंट क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो अगर यहां से देखिए क्यू चार्ज जा रहा है, तो क्यू चार्ज कहीं पर भी जमा नहीं होगा, क्योंकि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, आवेश ना तो नष्ट हो सकता है ना ही बढ़ सकता। तो अगर यहाँ से क्यू आवेश चला है तो सब जगह इसको क्यू आवेश ही चलना है, अन्यथा ये क्यू आवेश कहाँ जाएगा,
है कि नहीं, तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत फॉलो हो जाएगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी सब जगह रहेगा। लेकिन यहां से देखिए, यहां से जो वोल्टेज चलता है, वोल्टेज मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू बाई क्यू, यानी चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य, और कार्य का रिलेशन किससे है, एनर्जी से। तो यहां से जो भी एनर्जी चलता है वो भी एनर्जी कितना पार्ट में बढ़ जाता है, तीन पार्ट में। R1 को कुछ एनर्जी मिलता है, R2 को कुछ एनर्जी मिलता है, और R3 को कुछ एनर्जी मिलता है। तो ये भी कितने पार्ट में बढ़ जाएंगे, तीन पार्ट में। R1 में कितना हो जाएगा V1, R2 में मान लीजिए V2, और R3 में मान लीजिए V3। ठीक है, तो ये देखिए तीनों प्रतिरोधकों में क्या बढ़ गया, विभव। तो सभी प्रतिरोधकों में विभव का विभाजन होता है कि नहीं। तो दो चीज याद रखना इसमें, देखो सर, सभी प्रतिरोधक में धारा क्या रहेगा, एक जैसा, और विभव क्या हो जाएगा, बट जाएगा, हो गया। तो अगर ये विभव बट गया, तो ये जितना भी देखिए, ये जो विभव V1 आया, V2 और V3, ये तीनों का एडिशन किसके बराबर होगा, V के बराबर, क्योंकि तीनों V से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें ओम का नियम लगा दीजिए, ओम्स लॉ से, ओम के नियम से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो यहाँ V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 में देखिए, V1 में I गुना R1 प्लस V2 में कितना हो जाएगा, I गुना R2 प्लस V3 में क्या हो जाएगा, I गुना R3। ठीक है, उसके बाद यहां से देखो, I इंटू R इक्वल टू, देखिए तीनों में I कॉमन ले लेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इसीलिए R इक्वल टू कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये R क्या निकल गया, ये R निकल गया इक्विवेलेंट ऑफ थ्री कैपेसिटर, थ्री रेसिस्टेंस से, तीन प्रतिरोध जो जुड़ा हुआ है, ये तीनों का समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया R। अब देखिए हम बड़े आसानी से ओम का नियम लगा के I निकाल सकते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा R, और R एक सिंगल आ गया, तो ये आ गया ना। अब देखो तीसरा, इसमें से क्या रिजल्ट, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा। जितने भी प्रतिरोध रहेंगे सभी का एडिशन होगा, एडिशन होगा मतलब क्या, सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर हो जाएगा, है नहीं। तो समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के उसका बताना योग के बराबर होता है, रिजल्ट निकल रहा है जी। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो रहा है, तो भी बट रहा है, आय नहीं बट रहा है, प्रतिरोध क्या हो रहा है, तो सभी के योगफल के बराबर हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो समतुल्य प्रतिरोध आगे आरएस होगा, आरएस मतलब क्या हो गया, सीरीज, और आर से रेसिस्टेंस। तो अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो क्या हो रहा है, जितने भी प्रतिरोधक हैं सभी के योग के बराबर। तो योग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन किसका, जितने भी प्रतिरोध हैं आर एन का। उसके बाद अब दूसरा लिखिए, प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम लिखिए दूसरा, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेज इन पैरेलल। ठीक है, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन में देखो क्या करना है। देखिए मान लीजिए ये एक प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना, R1, ठीक है, उसके बाद एक दूसरा प्रतिरोध भी उपलब्ध है, कितना, R2। ये देखिए प्रतिरोध का सिंबल R2 इस तरह से है, उसके बाद एक तीसरा प्रतिरोध है R3।
इसमें वोल्टेज अलग अलग नहीं हो गया। आर थ्री ये तीन प्रतिरोध, अब तीनों प्रतिरोध को क्या किया गया है इस तरह से जोड़ दिया गया है, ये इस तरह से ठीक है, इस तरह से जोड़ दिया गया, मतलब क्या वो देखिए R1, R2, R3 तीनों का पहला छोर जो है एक साथ जुड़ा हुआ है एक तार से, है कि नहीं, और R3, R2, R1 तीनों का देखिए दूसरा छोर जो है दूसरा सिरा वो भी एक तार से एक साथ जुड़ा हुआ, उसमें क्या हो रहा था पहला को दूसरा से दूसरा को तीसरा से लगातार जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या है जितने भी प्रतिरोध रहेंगे सभी के एक छोर को एक साथ और दूसरे छोर को एक साथ जोड़ना ठीक है, और दोनों छोरों के बीच करंट सप्लाई करने के लिए एक सेल जोड़ देना है इस तरह से ठीक है, प्लस माइनस इसका वोल्टेज कितना बी। अब देखिए यहां से जो करंट आएगा आई वो आई करंट मान लीजिए यहां पर ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ए पॉइंट पर वो करंट कितना पार्ट में बढ़ जाएगा तीन पार्ट में ठीक है, देखिए कुछ करंट जो है सीधा निकल जाएगा आर टू में आई टू, कुछ करंट इस तरफ आएगा आर थ्री में आई थ्री, और कुछ करंट ऊपर चला जाएगा आई वन। अब समझ आया तो, और फिर यहां पर देखिए इधर से क्या आएगा आई वन, यहां से आई टू, यहां से आई थ्री, तो फिर यहां पर कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, तो इसमें क्या बटेगा देखिए समानांतर कर्म संयोजन में क्या होगा, समानांतर कर्म संयोजन में धारा एक समान नहीं रहेगा, धारा का क्या हो जाएगा बंटवारा हो जाएगा, सभी प्रतिरोधक में धारा का विभाजन हो जाएगा, है कि नहीं विभाजन हो जाएगा एक चीज। अच्छा अब दूसरा देखिए वोल्टेज का क्या होगा, देखिए ये वोल्टेज जो है यानी कि बैटरी सेल, ये बैटरी कहां से जुड़ा हुआ है ए से बी के बीच ठीक है, और सभी प्रतिरोध भी कहां जुड़े हुए हैं ए से बी के बीच, देखो आर वन कहां से जुड़ा हुआ है तो ए से बी के बीच, आर थ्री भी कहां जुड़ा हुआ है ए से बी के बीच, और आर वन भी कहां जुड़ा हुआ है ए से बी, ए से बी के बीच, तो ए से बी के बीच आर वन भी आर टू भी आर थ्री भी और ये बैटरी भी, तो अगर ये बैटरी का वोल्टेज ए से बी भी है तो आर वन आर टू आर थ्री भी ए से बी जुड़ा हुआ, तो इसका भी वोल्टेज कितना होगा भी, क्योंकि वोल्टेज का बदलेगा जब पॉइंट बदलेगा ठीक है, तो इसमें विभव का बंटवारा नहीं होगा, विभवांतर क्या रहेगा एक समान, एक समान होता है, दो चीज निकल गया। अब उसके बाद तीसरा इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देखिए यहां से जो आई करंट गया वो आई करंट कितना पार्ट में बटा हुआ है तीन पार्ट में, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री ठीक है, अब इसमें क्या कर दीजिए फिर से ओम का नियम लगा दीजिए, ओम्स लॉ से आई इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर, तो आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई, ओ यहां से यहां भी तो भी ही न रहेगा हाँ। तो भी बाई आर वन प्लस आई टू, आई टू में भी बाई आर टू और भी बाई आर थ्री, उसके बाद अब यहां से देखिए भी बाई आर इक्वल टू तीनों में से भी कॉमन लेंगे वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, भी और ये भी जो है कट जाएगा तो क्या बचेगा वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, तो देखिए समतुल्य प्रतिरोध का मान इसमें क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के बराबर होगा, मतलब इसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा कम जाएगा, है कि नहीं, तो समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समतुल्य प्रतिरोध का क्या आया व्युत्क्रम, उल्टा आ गया व्युत्क्रम, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग, सभी प्रतिरोधकों के, सभी प्रतिरोधकों के
व्युत्कर्म के योग के बराबर होता है, है ना। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, वन बटा आर पी इक्वल टू समेशन वन बटा आर एन, है कि नहीं। वन बटा आर पी इक्वल टू समेशन मतलब योगफल, और सभी प्रतिरोधकों का व्युत्कर्म ले लेना है इसे, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा।